ये होटल की पार्किंग है यार पीछे की साइड की। वेरी गुड मॉर्निंग। बस होटल से चेकआउट करके और गले की बैंड तो बज ही चुकी है बहुत बुरी, आप जानते ही हो। गाड़ी में सामान वामान रखवा लिया है, सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं यहाँ से सीधा निकल रहा हूँ उत्तराखंड के लिए। अब उत्तराखंड में जा कर के देखेंगे कहाँ रुकेंगे अपन। उत्तराखंड जा रहा हूँ अभी, फ़िलहाल मेरठ के अंदर हूँ। आपको आवाज़ ढंग से नहीं आ पा रही है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। गार्गलिंग वगैरह एक दो बार कर ली है, एक दो बार और करूँगा ना तो और ठीक से हो जाएगा। मुँह में काली मिर्च और लौंग दबा रखी है। फ़िलहाल ये जो चल रहा है ना, ये मेरठ कैंट एरिया चल रहा है, जो कैंटनमेंट एरिया होता है ना आर्मी का, वो चल रहा है। और इधर उधर क्वार्टर्स चल रहे हैं, लेफ्ट साइड में भी क्वार्टर्स ही हैं शायद, नहीं लेफ्ट साइड में कुछ और है, राइट में क्वार्टर्स भी हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, जय जय श्री राम बोल करके बस आज के दिन की शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत हुई गला बैठने से। भाइयों को देख लो आप ऑटो में कहाँ बैठे हुए हैं, एकदम लदे हुए पीछे, बढ़िया एकदम। जवानी में क्या है, कोई सा भी स्टंट कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपन कैंट से निकलते हैं हाईवे की तरफ, मेरठ कैंट में से। तो बेकरी आती है देखो, मून स्टार बेकरी। यहाँ से अपन ने क्या है, एक तंदूरी पेटीज खा ली। असलियत में तो पेटीज गले ख़राब में खानी नहीं चाहिए थी, पर यार और कुछ भी है ना, अभी जल्दी से ऑप्शन मिल नहीं रहा था और फटाफट से निकलना है। छोले कुलचे वगैरह स्ट्रीट के हर जगह के समझ नहीं आते हैं, कौन सा ऑयल क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कितना पुराना मसाला है, क्या चीज़ है, इस वजह से मैंने वो चीज़ नहीं ली। पीछे देखो आजकल हर जगह है ना ये ईवी की चार्जिंग मशीन्स वगैरह लग गई हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बात है यार, अच्छे अच्छे होटल प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारी जगह पे आपको मिल जाएंगी। मैंने आपको बेकरी इसलिए दिखाई क्योंकि पेटीज़ इनकी काफ़ी अच्छी है, तंदूरी पेटीज़ मैंने खाई थी और एक आलू मैंने पैक कराई है जो कि सच में यार मेरे को अच्छी लगी टेस्ट में, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी काम जोरों शोरों से चल रहा है यार, ये जो भी आ रहा है ना बढ़िया अच्छा खासा पुल, बहुत पीछे से काम चल रहा है और चले ही जा रहा है आगे तक। इस पर लिखा हुआ है दिल्ली मेरठ RRTS, तो दिल्ली से डायरेक्ट मेरठ को जो है ना, और भी अभी भी भाई डायरेक्ट रास्ता है बढ़िया, लेकिन और भी फास्ट कर देंगे बढ़िया एकदम मक्खन। क्या लिखा हुआ है, आई लव मेरू मीरू, ओहो TRTS इसका। वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब हमारा एरिया जाटलैंड। ज़्यादातर जो हमारे परिवार वाले हैं, रिश्तेदार जानकार जो है ना, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, क्योंकि गांव जो है और दादाजी का जो निकलना हुआ, तो दादाजी निकले थे, फिर उसके बाद में दादाजी क्या है इंग्लिश के लेक्चरर थे, फिर उसके बाद प्रिंसिपल उनको हो गया था प्रमोशन, लेकिन उन्होंने क्योंकि उसके अंदर उनको दूसरी जगह जाना पड़ता, ट्रांसफ़र होना पड़ता, तो उन्होंने क्या है कि प्रमोशन लिया नहीं था और लेक्चरर से रिटायर हुए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर से होते हुए और सीधा अपन जा रहे हैं अभी उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, वो तो पहुँच करके मैं डिसाइड करूँगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर के गुजर रहे हैं और आपको गन्ना ना दिखे, भाई साहब पॉसिबल ही नहीं है। देखो दोनों तरफ गन्ने ही गन्ने, बढ़िया। देखो इधर की तरफ ज़्यादा ऊँची नहीं है फसल अभी, बाकी फिर भी है ना 7-7 फीट के तो आराम से हो रखे हैं। इधर भी है, दोनों तरफ गन्ने चल रहे हैं और करीब करीब पीछे दो एक किलोमीटर से मैं देख रहा हूँ गन्ने चल रहे हैं, और आगे बहुत लंबी देर तक गन्ने चलने वाले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और फिर उसके अंदर आगे आपका सहारनपुर, सबसे ज़्यादा गन्ने की जो है पैदावार है ना पूरे भारत में सहारनपुर में ही होती है। और ये भंगेला गाँव जो है आपने मुजफ्फरनगर के अंदर लग चुका है, मुजफ्फरनगर एंटर कर लिए हम लोग। शायद आगे जो बैरिकेड आएंगे ना उन पर भी लिखा हुआ आ जाएगा, आपको दिखा देता हूँ मैं। आने दो, ये देखो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश पुलिस। अरे अरे गाय माता। ये खतौली बाईपास पे आपको दिख रहा होगा बीकानेर वाला आएगा आगे चीतल ग्रैंड, तो आपको एक पुल के ऊपर नहीं जाना है और नीचे से होकर के और अपनी सीधी रोड ये अपने निकल गई है देहरादून की तरफ, रुड़की की तरफ, मतलब उत्तराखंड की तरफ। ये देख लो अगला टोल आ गया है मुजफ्फरनगर के अंदर, ये टोल है और दोनों तरफ सिर्फ गन्ने ही दिख रहे हैं अभी भी। ये है भाई साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कमाल, गन्ने ही गन्ने, देख लो आप हर जगह गन्ने दिखेंगे आपको। देखो ये बताओ क्या जा रहा है, बताना मेरे को कमेंट करके अगर किसी को पता हो ना क्या जा रहा है ये। देहरादून 108 दिखा रहा है भैया, हरिद्वार देहरादून सारा रास्ता यही जाएगा। एंट्री कर चुके हैं जी उत्तराखंड में, वैसे तो थोड़ी देर पीछे कर लिया था। ये देखो डेंस फॉरेस्ट चल रही है हमारे साथ साथ, अब पूरे रास्ते ये फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट चलेंगे, मतलब दोनों तरफ जंगल ही जंगल चलेंगे बढ़िया एकदम घने। अब देवभूमि में एंटर हो ही गए तो बढ़िया, आप देखो पानी भी आपको साफ सुथरा देखने को मिलेगा। अब ये सगड़ी सी पुलिया है तो जाम तो लगेगा यार, यहाँ उत्तर प्रदेश परिवहन की बस चल रही है और पीछे मेरे को ट्रक हॉर्न दे रहा है। देखो पीछे ट्रक दिख रहा होगा आपको, नहीं दिखे तो पता नहीं। अब इतने से भी तो धीरे धीरे निकलेंगे ना, वन वे ट्रैफिक एक तरफ का मतलब टू वे ट्रैफिक है भाई, एक तरफ जा सकता है एक तरफ आ सकता है।
उत्तराखंड एंटर होने ही लग रहे थे कि भाई साहब, मैंने कहा स्ट्रॉबेरी ले लेते हैं। बढ़िया स्ट्रॉबेरी दिख रही थी, बड़ी बड़ी, मैंने आपको दिखाई भी क्लोज वे में, तो अच्छी स्ट्रॉबेरी है। और भाई जो है काफ़ी मतलब सही रेट पे थी भाई ने। स्टार्टिंग में तो क्या है कि मेरे को बोल रहा था कि यार 80 रुपये की 250 ग्राम। मैंने कहा यार यूपी से है भाई, मैंने कहा मेरी गाड़ी नंबर देख करके मत है ना ऐसे विचलित हो, मैंने कहा अपन भी यहीं से ही हैं। तो बोलता है कहाँ से हो भैया, तो थोड़ा इसको बताया। फिर उसके बाद में इसने 60 रुपये की लगा दी पावर, और बढ़िया दे दिया अपन ने 240 की, सीधे 1 किलो ही ले ली, उठा ली। बढ़िया बढ़िया रसभरी स्ट्रॉबेरी है, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको एक स्ट्रॉबेरी दिखाता हूँ आपको बड़ी सी। वैसे तो ये छोटी है, ये इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बड़ी वाली भी दिखाई थी। भाई साहब नज़ारा देखो आप यार, ये हाईवे के दोनों तरफ दूर दूर तक खेत, ये गन्ने भाई साहब इतने सारे, ये गन्ने, ये राइट में गन्ने ही गन्ने। शानदार नज़ारा है भाई साहब, दोनों तरफ हरियाली, दोनों तरफ क्या बढ़िया सुंदर सा मंदिर टाइप का बना हुआ है कुछ, आप देखो गोल्डन गोल्डन सा जो दिख रहा है ना यार, पता नहीं क्या है बट मंदिर ही लग रहा है। ऊपर ध्वजा भी लहरा रही है इसके, ये मोहनजीपुरी वालों के जस्ट पीछे। मोहन जी का नाम तो आपने सुना ही होगा यार, पूड़ी वालों का बहुत प्रसिद्ध है। गुरु नानक ढाबा, और ये बगल में शायद गुरुद्वारा है क्या है, ये देखें जरा, अद्भुत इतिहास, कुछ सनातन धर्म का ही कुछ बना हुआ है। क्या है ना, पहले जब मैं रोड ट्रिप मारा करता था ना, तब मैं खटाखट भैया टास्क की तरह यहाँ पहुँचना है ऐसे ऐसे, पर अब क्या है ना, अब वो सिस्टम रहा नहीं है, अब आराम से जाता हूँ यार। जबकि ऐसा नहीं है कि यार भगाते दौड़ाते नहीं है, मतलब जब जब सही समय मिलता है ना, जब उस हिसाब से अप्रोप्रिएटली तरीके से कंफर्टेबली अपन गाड़ी तेज भी चलाते हैं कि यहाँ पे जहाँ स्पीड ले सकते हो जहाँ नहीं। बाकी यार लेट इतना हो ही गए तो एक आध घंटा और सही, तो इसलिए अपन आगे से यू टर्न मार करके और दोबारा से जा रहे हैं मोहन जी के यहाँ पे पूड़ी खाने। पूड़ी और सब्जी मोहन जी की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, अपन बढ़िया आपको दिखाते हैं वहाँ जाके पूड़ी सब्जी भी, और खाएंगे भी यार, भूख इतनी नहीं है इसलिए एक ही प्लेट ले लेंगे। मोहन जी पूड़ी वाले, तो जी रिपोर्ट ऐसी है कि पूड़ी और सब्जी बहुत बढ़िया थी, कद्दू की भी सब्जी थी आपने देखी होगी, लेकिन माफी चाहूंगा कि यार इतनी तेज भूख लग रही थी ना कि भाई आधा मामला साफ हो चुका था उसके बाद में मैंने आपको दिखाया। और मैंने क्या है इस डब्बे के अंदर कुछ पैक कराया, वो है अपना स्पेशल बेसन लड्डू, फिर आटे का लड्डू वो भी स्पेशल था इनका, स्पेशल पेड़ा और एक मिल्क केक जिसको अपन कलाकंद भी कहते हैं, ये पैक करा लिए हैं। हालांकि मीठा मैंने छोड़ रखा है, लेकिन जब मैं खाता हूँ तब मैं दबा के खाता हूँ, ये साफ बात है। अब ये चौराहा आ गया, आप देख लो, इस पर आपको सामने लिखा हुआ दिख जाएगा, लेफ्ट में तो चला गया शायद, ये हरिद्वार के लिए क्या लिखा हुआ है लेफ्ट में, सुस्वागतम नगर निगम हरिद्वार। देखो क्या बढ़िया एकदम, और ये हर की पौड़ी के लिए जिधर अपन जा रहे हैं ना, ये रास्ता अपना आ गया हर की पौड़ी की तरफ का। बाकी योगी जी का आप डेवलपमेंट देख लो, क्या पुलिया का बढ़िया एकदम कलरिंग वलरिंग अच्छे से कर रखा है, शानदार एकदम बढ़िया। लेफ्ट में देख लो आप ओम लिखा हुआ, यार हरिद्वार की तो वाइब ही अलग है कसम से, बहुत ही सुंदर लग रहा है यार, बहुत सुंदर लग रहा है। एक सेकंड देखता हूँ, रुक के आपको दिखा पाऊँ तो। ये देख लो सामने जा रहा है अपने, जहाँ अपन जा रहे हैं बिजनौर देहरादून की तरफ, उत्तराखंड की तरफ ही आगे, और ये ओम है, और बीच में क्या है देखो पानी बहता हुआ, एकदम साफ शुद्ध पानी एकदम स्वच्छ। बाकी जैसे नीचे उतरा ना यार यहाँ पे उत्तराखंड की जो भूमि पे अभी उतरा, जबकि मैं मोहनजीपुरी वालों के भी उतरा था, लेकिन जब यहाँ पे ये पानी चल रहा है, हर की पैड़ी जो है यहाँ इधर से रास्ता भी जा रहा है, तो उतर के एक जो मन को एक शांति सी होती है ना, ऐसा फील आया यार सच में, बहुत ही स्वच्छ सा, बहुत ही सुंदर सा, अच्छा सा फील आया, शायद आप लोग भी समझ पाएंगे। और यहीं से सीधे देखो आप ऋषिकेश देहरादून बद्रीनाथ, सारे रास्ते इसी हाईवे से होते हुए आपके जाएंगे। बढ़िया यार एकदम मज़ा आ रहा है सच में, उत्तराखंड में घूमने का स्वाद ही अलग है, फील ही अलग है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, क्या बड़े सारे भोलेनाथ हैं, देखो पास से जाके लेंगे यार, भोले पास से जाके लेने का मतलब कि दर्शन भी हो जाएंगे महादेव के, और अपन साथ में क्या आपको भी दिखा देंगे महादेव को, आप भी दर्शन कर लेना,
बहुत बड़े सारे शिव जी हैं यार, बहुत बड़े सारे। ये देखो स्वामी विवेकानंद पार्क के अंदर बने हुए शिव जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखो और क्लोज से अच्छे से दिखाता हूँ आपको। जय हो, जय हो। ये देखिए, तो सभी भोलेनाथ के भक्तों लिख दो नीचे हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। बाकी भोलेनाथ बहुत ही अच्छी प्रतिमा है भोलेनाथ की, बहुत सुंदर। और साथ में क्या है कि पानी बह रहा है हरिद्वार का स्वच्छ जल, आहा, जो यार फील आ जाता है ना, बस मतलब प्रकट नहीं किया जा सकता वर्ड्स के अंदर, है ना, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। राजा जी टाइगर रिजर्व भी आएगा क्या भाई साहब आगे? मैंने आपको कहा था जैसे कि अपन जंगलों के बीच में सोते हुए जाएंगे पूरा का पूरा रास्ता जो है, क्योंकि देहरादून पहुंचने से पहले ही ऐसा पूरा का पूरा आने लग जाता है। इवन देहरादून क्या ऋषिकेश भी पहुंचने से पहले, दोनों तरफ सुकून शांति, पेड़ पौधे बढ़िया। सीधा जा रहा है जी ऋषिकेश, देखो सामने क्या ऋषिकेश, लेफ्ट में अपना पाउंटा साहिब, देहरादून, और बाकी सीधे आप श्रीनगर भी जा सकते हो यहीं से। अपन लेफ्ट की तरफ मुड़ गए। बाकी मैं एक चीज आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि भैया दोनों तरफ जंगल ही जंगल चलेंगे, देखो दोनों तरफ पेड़ ही पेड़। भाई साहब पहाड़ों के अंदर आ गया टोल प्लाजा, बढ़िया, देख करके अच्छा लग रहा है कि आ चुके हैं बहुत ज्यादा लंबे समय बाद पहाड़ों में। इतने लंबे समय बाद आए ना यार सच में, और हिमाचल जा जाके सच में यार बोर हो जाते हैं यार। हिमाचल घर जैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है हिमाचल नहीं जा सकते थे, बट उत्तराखंड में मिलना भी था। जैसे मान लो मेरे को मेरठ के अंदर मिलना था, इसलिए मैं मेरठ रुका था। अब क्या है उत्तराखंड के अंदर भी एक आध दोस्त यार हैं पहले से ही है, लेकिन उनसे मिलना होगा करीब करीब बहुत साल बाद। मैं आपको बताऊंगा वो अगले ब्लॉग में, उससे अगले ब्लॉग में आपको दिख जाएगा। अब ये टोल प्लाजा के बाद का हाईवे देख लिए जी, आप देख लीजिए बढ़िया कंडीशन एकदम शानदार मक्खन। हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे प्यारे हाईवेज बनाने के लिए। ये क्या जा रहा है भाई साहब, मॉल ऑफ देहरादून, बड़ा मॉल है यार तो, काफी सही लग रहा है भाई, मॉल ऑफ देहरादून। या तो देहरादून आ गया है या फिर आने वाला है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा शहर जैसा लग रहा है। देहरादून लिखा हुआ है सीधा, सेला कोई पावटा साहिब। आप सभी के लिए और मेरे लिए देखो एक चीज लिखी हुई है, और एक और चीज लिखी हुई थी वो चली गई है। सुंदर शहर देहरादून आ चुका है यार, देखो देहरादून की गलियां चल रही है सारी की सारी, गली तो क्या मतलब मार्केट रोड चल रही है। आगे ISBT हवाई अड्डा आ जाएगा 5-7 किलोमीटर में, राइट में एक मॉल सा आ रहा है वो आपको दिखाता हूँ मैं, बड़ा सारा है ये देखो स्मार्ट बाजार जिस पे लिखा हुआ है ना, ये ओएसिस कमर्शियल नाम है इसका। उत्तराखंड के शहीदों को शत शत नमन। CM रेजिडेंस मसूरी, कौन सा मॉल है यार, देखो बढ़िया मॉल है। अच्छा दिख रहा है, देखो बड़ा मॉल बनाया हुआ है, बढ़िया। अच्छा यार शहर देहरादून भी बहुत अच्छा शहर है, शांति भरा सुकून भरा शहर है यार सच में यार। और पुलिस भी बड़ी डिसेंट सी अच्छी सी पुलिस है, बढ़िया लोग एकदम, मतलब हमेशा बोलता हूँ मैं उत्तराखंड के लिए, व्लॉग्स पे इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि उत्तराखंड की बात नहीं होती, बाकी मेरे जितने भी दोस्त यार हैं सबको मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाँ यार गढ़वाली पीपल आर रियली रियली गुड, रियली नाइस पीपल, और बहुत जेन्यून और अच्छे लोग होते हैं। देखो क्या ट्रैफिक बढ़िया आराम से है ना, शांति से ट्रैफिक चल रहा है, शांति मतलब एक लोगों के मन में और एक अलग सी है ना शांति सुकून सा दिख रहा है शहर के अंदर। अच्छा व्यवस्थित सा शहर जिसको बोलते हैं ना, ऑर्गेनाइज सा वैसा लग रहा है एकदम बढ़िया। रात के बज रहे 6:30 और अपन पहाड़ी के अंदर चढ़ाई अपनी चढ़ रहे हैं। अभी यहाँ से करीब करीब 70 किलोमीटर का रास्ता और है, 60 किलोमीटर का रास्ता और है।
देहरादून से होते हुए और अपन आगे जा रहे हैं, देखो लेफ्ट राइट बढ़िया बढ़िया यार, मतलब रास्ते में रेस्टोरेंट वगैरह आपके रुकने के लिए क्या है, अच्छी जगह बनी हुई है। देखो जी क्या लिखा हुआ है, रात के 9:15 बजे, वेलकम टू द क्वीन ऑफ हिल्स, मतलब मसूरी। बहुत बढ़िया जी, देख लो अभी तो भीड़ नहीं है इसलिए आराम से चढ़ रहे हैं अपन। यार क्या बात है यार, मसूरी कभी मैंने इतना तसल्ली से नहीं देखा यार, कुछ भी कहो आप, क्या सुकून भरी रोड है। देखो ये बात भाई साहब, लंडोर बेकहाउस जा रहा था मैं, लेकिन आप मार्केट की हालत देख लो, 9:20 पे ये मसूरी का मार्केट है पूरा पूरा का पूरा, जो कि अभी एकदम शांत पड़ा है क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा है। ऑफ सीजन के चक्कर में होटल प्रॉपर्टीज वगैरह भी आपको खाली मिल जाएंगी और इसी वजह से आप अच्छा खासा क्या बार्गेन भी कर सकते हो प्रॉपर्टी वालों के साथ, होटल की जो प्रॉपर्टीज होती है ना उनके साथ आप बार्गेन कर सकते हो। इस समय गाड़ी दचके कैसे खा रही है, फ्यूल तो है यार, 3 घंटे फ्यूल तो है भैया, फिर दचके क्यों खा रही है, कौन से गियर में है भैया, फर्स्ट में तो नहीं चला रहा कहीं, मैं ये तभी दचके खा रही है, फर्स्ट में चला रहा था मैं। ये देखो भाई ये रेंटल बाइक से ही है। ये सारी लगी हुई है ना, ये रेंटल बाइक स्कूटर है सारी की सारी। सारी ये जो लगी हुई है देखो रेंट पे, सारी खड़ी हुई है, उसी से समझ जाओ आप कि अभी कोई इनको रेंट पे लेके गया ही नहीं है। टूरिस्ट देख लो आप, एक आध कोई दो चार इक्का दुक्का कपल दिख रहे हैं कोई, बाकी तो कोई दिख नहीं रहा। यहाँ देखो राइट में बंद पड़ा है, बंद इसलिए पड़ा है क्योंकि काम चल रहा है पाइपलाइन का, वरना ये खुला रहता है। आपको दिखा देता हूँ, देख लो मसूरी की रोड, कभी देखी आपने रोड इतनी ज्यादा खाली इतनी शांत, ये देख लो आप सारा मसूरी। इसलिए मैं आपको क्या ढंग से दिखा पा रहा हूँ सुकून से, ये अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जो रास्ते में पड़ रही है ना, ये सीजन के टाइम पे या जब टूरिस्ट होते हैं ना तब बड़ी महंगी होती है, जो मैं आराम से गाड़ी चला पा रहा हूँ ना 9:20 पे, वो इसी वजह चला रहा हूँ मैं। ये देख लो मैं आपको दिखा दूंगा, ये लग रहा हूँ झूठा टाइम बता रहा हूँ, ये देखो 9:29 हो रहे हैं। बाकी अपन तो मजे कर रहे हैं ना यार, मेन बात हुआ है थैंक्स फॉर विजिटिंग, नगर पालिका बोल रहे हैं ऐसा है। ये देखो होटल खाली पड़ा है, बाकी यार अच्छा लग रहा है यार, बढ़िया है यार। इस टाइम पे देखो टैक्सी यूनियन वाले सारे शांत बैठे हैं क्योंकि कस्टमर ही नहीं है इतने, ऑफ सीजन चल रहा है, दुकानें खाली पड़ी हैं, मार्केट खाली पड़ा है, कुत्ते वुत्ते बड़े शांति से आराम से बोले, परेशान करने वाले कोई नहीं आ रहे, कुत्ते एंजॉय कर रहे हैं अपने डॉग्स वगैरह, लोकल स्ट्रीट डॉग्स। नाइट व्यू देख लो आप थोड़ा सा, अभी आप लोगों ने देख ही लिया यार कि कितना ज़्यादा मतलब मसूरी खाली खाली सा एकदम, इतना ज़्यादा खाली कभी देखा नहीं है, हालांकि मैं इतनी बार तो आया भी नहीं हूँ, लेकिन 2 बार पहले आया हूँ, पर यार इतना खाली जब आप देखते हो ना, ऑफ सीजन है इस वजह से है, कैब्स वगैरह जितनी भी थी ना टैक्सी यूनियन की, टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह की, स्विफ्ट डिज़ायर वगैरह सारी गाड़ियाँ ना लगी हुई थी शांति से साइड में लाइन से, और कोई भीड़ भक्कड़ नहीं कुछ नहीं, रोड इतनी ज़्यादा सुकून से है ना, मैंने पहाड़ी एरिया में कभी देखी नहीं, क्योंकि ऑफ सीजन में मैं हिमाचल में भी गया हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा है ना खालीपन नहीं देखा। इस वजह से बेस्ट बार्गेन कर सकते हो। मैं होटल में आ गया हूँ यार, 10:15 बज रहे हैं, टीवी के अंदर रिचार्ज था नहीं, तो ये यूट्यूब जो है ना मतलब ये स्मार्ट टीवी है तो वाईफाई से चल रहा है, और रूम सही है यार, मतलब ठीक है रूम है ना, नए बने हुए रूम। तो बस इसके साथ में है ना आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, मैं भी रुका हूँ मसूरी से थोड़ा सा पहले, मसूरी ऊपर जा कर के आपको थोड़ा सा दिखा दिया मैंने रात का, अब कल देखते हैं यार क्या करते हैं। जैसा भी ब्लॉग लगा हो ना आपको, अगर अच्छा लगा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो ना, तो प्लीज़ उसको लाइक करना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।